दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है एक महिला की मौत कार एक्सीडेंट में हो जाए, जिसके बाद वह अंतिम संस्कार के दिन जीवित हो जाए? नहीं सुना ना, लेकिन यह सच है। हाल ही में पेरू से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको सुनकर यकीन तो नहीं होगा, लेकिन एक महिला जिसे दफनाने के लिए ताबूत में ले जाया जा रहा था, वह एकदम से ही जिंदा हो गई। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला जानने के लिए देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। पीरू से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कब्र में दफनाने के लिए एक महिला को ताबूत में बंद करके ले जाया जा रहा था कि तभी महिला ताबूत के ढक्कन को ठकठकाने लगी, ये बताने के लिए कि वह जिंदा है। और जब ताबूत का ढक्कन खुला तो वहां मौजूद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। महिला का नाम रोजा इजाबेल सिपिडिस कहलाता है। वह 36 साल की है। महिला को जीवित देख उन्हें ताबूत समेत ही जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें लाइफ सपोर्ट मशीन पर रखा गया। शीपिस मेडिक्स ने कंफर्म किया है कि महिला जीवित है, हालांकि उनके जिंदा रहने की संभावनाएं बहुत कम थी। थोड़ी देर के लिए उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी हालत खराब होती गई और कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। DHTV को मिली रिपोर्ट के मुताबिक रोजा का एक्सीडेंट हो गया था। एक कार एक्सीडेंट में उनके देवर की मौत हो गई थी और उनके भतीजे बुरी तरह से घायल हो गए थे। 25 अप्रैल को अस्पताल में डॉक्टरों ने रोजा को मृत घोषित कर दिया था। बताया गया कि दुर्घटना के दौरान वह सर के बल जमीन पर गिरी और उनके दिमाग में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। अब हॉस्पिटल के खिलाफ रोजा के परिवार वालों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। अभी यह कयास लगाया जा रहा है कि क्रैश के बाद जब रोजा को अस्पताल ले जाया गया था, तब वह कोमा में थी, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत समझ लिया। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। महिला के परिजन इस बात की जांच की मांग कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस घटना की वजह जो कुछ भी रही हो, लेकिन इस कहानी का अंत सुखद नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया कि रोजा को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके ब्लड ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर किया जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उसे दूसरी बार मृत घोषित कर दिया गया था और ये आखिरी बार था। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।